गोड्डा जिला के पुरैयाहाट प्रखंड के कटहल मैदान में महागठबंधन का विशाल आयोजन किया गया। महागठबंधन के कई दिग्गज नेता उपस्थित हुए। इस मौके पर झारखंड विकास मोर्चा के प्रधान महासचिव धरती पुत्र प्रदीप यादव ने चुनावी हुंकार को भरते हुए कहा, झारखंडी कौन होगा जो खतियानी रैयत का है। झारखंड में गमछा बिछा कर पैर पसार कर सोता है, यही मैं आपसे कहने आया हूँ। झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा सरकार ने गरीब जनता को लूटने का काम किया है। संथाल परगना के धरती के लोग भी जरा सोचे, साहिबगंज के गंगा नदी पुल पर करोड़ों से अधिक खर्चा किया, लेकिन एक तिनका तक का हिसाब नहीं। हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा सरकार सिलेंडर इसलिए दे रही है, सिलेंडर बनाने वाले कंपनी के लोग भाजपा के दोस्त हैं। होता है कुछ लोगों की अपनी इच्छाएं महत्व नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। ये मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन और शिलान्यास करके लोगों को बहलाने और फुसलाने का काम करते हैं, लेकिन जो बना हुआ उसका हालत क्या है, जाकर के आप रांची में देख लीजिए, धनबाद में देख लीजिए, जमशेदपुर में देख लीजिए। और पिछले दिनों उन्होंने मेडिकल कॉलेज का शिला उद्घाटन, चार जनता क्लिनिक जो कि भोलानाथ पेट्रोल पंप के नज़दीक है। सभी तबके के लोग में साफ सफाई तथा समुचित रूप से उपचार मिलने को लेकर उनके मन में काफ़ी हर्ष देखा जा रहा है। हम आपको बताते चले कि मरीज का मानना है अन्य जगह के उपचार से यहां पर मरीजों का उपचार के लिए काफ़ी सुविधा मुहैया करा जा रहा है। भागलपुर से प्रभात मिश्रा की रिपोर्ट।